आज विश्व मानव अधिकार परिषद की ओर से तीज का त्योहार बबियाल गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने गिद्धा किया, सोलो डांस किया और ये भी बताया कि कैसे पुराने समय में भाई बहन के घर तीज का संधारा लेकर आता था और बहन का दिल कैसे खुशी से हुंकार भरा करता था। महिलाओं ने चरखा, चक्की और फुलकारी से सजावट की, जो अपने आप में पुरानी यादें ताजा करवा रही थी। तीज का त्योहार मना रही महिलाओं ने बताया कि आजकल सभी लोग तीज का त्योहार होटलों में और किटी पार्टी के रूप में मनाते हैं, वहीं हमने पुरानी परंपरा से मनाया है और लोगों को ये भी संदेश दिया है कि अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार ही त्योहार मनाए। नाम हरप्रीत है ते मैं पंजाब तो पटियाले डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग कर दी हाँ। टोटली पंजाबी फैमिली तो हाँ तो पंजाब में बिलोंग कर दी हाँ। तो मैं त्यौहार अज देख आई हाँ, इतने बच्चों ने तीज का त्यौहार मनाया है, क्योंकि एक जो एक कुड़ी व्याही जाती है तो वह भरा वे तीज का एक शगन हों सावन के महीने में जो लैके आता है हाँ जी, तो कुड़ी अपने पेकिया की सुख मना है, अपने भरावान देख के खुश होंगी है, अपने सारे परिवार विच अपने पेकियां दा वड़प्पण करती है कि मेरा भरा है और हाँ जी, आज बबियाल में तीज का त्यौहार सारी लेडीज़ दे संता संस्था दे नाल साडा ग्रुप दे नाल साडा तीज का त्यौहार बड़ा अच्छा धूमधाम से मनाया गया। छोटे बच्चों को जिदा पुराने रिवाज संधारा देना, परिवार च इकट्ठे होकर बैठना, पुराने रिवाज रीति रिवाज जो लड़कियां नू दसना, मतलब फुलकारी, कढ़ाई, चरखा, कढ़ाही, मतलब ये तंदूर सारा कुछ समान, ये पुराने बच्चों को कुछ नहीं पता है जी, पहले बच्चे जो उन्होंने हूँ ये समान के बारे जागरूक किया गया भी अपने रीति रिवाज अपना भुलना नहीं, पिछले रिवाज जो अपने दादे दादे माँ के जो पिछले रिवाज सके, साडे चरखी कत्ती सी मूलां खिली खिली, ये साडा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहिंदा सीगा। हुण अज ये लड़कियां कोई ये पुराने रिवाजां नूं सब भुल गए, तो हूँ उ समझ लग किदा के शरीर है लड़कियां दे, अजकल जिहड़े पुराने उन्होंने जिवें चक्की चलांदी सी लड़की, चक्की नाल साडे शरीर की कसरत वर्जे सवेरे हो जाती सी, दुध मधाणी रिड़कती सी, उहदे नाल साडे शरीर तंदुरुस्त रहिंदे सी। अगे एक लेडी समझ लै छे छे सत सत बच्चे मतलब नॉर्मल केस होंदे सी, हुण एक हर एक लड़की मतलब कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहती, तो एक एक बच्चा वह भी शरीरियां नाल, एक बच्चा वह भी शरीरियां नाल। हाँ जी, असं ये जागृत करना कहने भी अपने बच्चों पुरानी चीज़ों पर डिपेंड करो, मतलब योग 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 नाल भी है, योग का अभ्यास भी जरूरी है, ये भी पुराना योग अपना जागरूक रखो। यह तीज का त्यौहार मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ, यह मैं पुराना कल्चर जो सारा लुकता जाता सीगा अपने बच्चों दिखाने लिए, अज सारा अपन यादा कट्ठिया कि भाई संधारा लेके आता सी, मेरे को भी लेके आता सीगा, हूँ भी आता है उस चीज़ को दिखाने वास्ते, जो ये सदा दबदा जाता सीधा लुकदा जाता से उसको उभारण वास्ते आपने ये सारा प्रोग्राम किया है। थैंक यू। वहीं स्थानीय महिलाओं के साथ त्यौहार मनाने आई मानव अधिकार के सदस्यों ने बताया कि मानव अधिकार परिषद की तरफ से भी तीज का त्यौहार गांव में मनाने का उद्देश्य ये है कि सब लोग अपनी माटी से जुड़े रहें और सब लोग अपनी संस्कृति जो आजकल छूट रही है वो रौनक ना भूलें, सब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं व पुरानी परम्परा को जिंदा रखें। मैं निकेश गुप्ता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट विश्व मानव अधिकार परिषद। तो हमें आज तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बबियाल गांव आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में ये फर्स्ट मौका है जो मैं गांव वालों के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। पर्व हम ज़्यादातर होटलों में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि गाँव का हर बच्चा, हर लेडी, हर लड़कियाँ, जवान जो स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर वेशभूषा पहनी और पूरी फुलकारी की साड़ी और कॉस्ट्यूम में, पंजाबी कॉस्ट्यूम में आकर इन्होंने बहुत सुंदर भंगड़े पाए, गिद्दा पाया, और छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से तीज भैया सिंधारा लेकर आया बहन के घर, तो वो बहन ने उसको इतनी अच्छी तरह से वेलकम किया, तो सब पुरानी बातें याद आ गईं जो हम सिर्फ एक सपना ही समझते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। और इतने सुंदर बच्चे बनकर आए थे, छोटे छोटे सरदार जी थे और छोटी छोटी कुड़ियाँ इतनी स्मार्ट लग रही थी कि मन खुश हो गया। मैं चाहती हूँ पूजा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम हर त्यौहार हम इसी तरह से सेलिब्रेट करें ताकि हमारी संस्कृति कायम रहे।
और हम आगे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं पूजा गोयल विश्व मानवाधिकार परिषद से जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमने तीज का त्यौहार बबियाल गांव में उनकी बबियाल गांव की ही लेडीज़ के साथ हमने आज ये तीज का त्यौहार मनाया गया है। और आज हम ये मैसेज देना चाहते थे कि अपने कल्चर को प्रेजेंट किया है आज हमने। आपने जैसे कि देखा है कि यहाँ पे चरखा है, यहाँ पे लस्सी रिड़कने की मदानी भी है, यहाँ पे चक्की भी है, यहाँ पर जो कहते हैं ओखली जिसे कहते थे हम लोग, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कर दी गई है। फुलकारियों के साथ ये सजाया गया है, तो ये तीज को प्रेजेंट करती है ये सारी चीज़ें, जो कि हमारा जो कल्चर है लुप्त होता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जैसे कि आजकल क्या होता है कि हम लोग किसी होटल में मना लेते हैं, तंबोला खेल लेते हैं, या डांस चला लिया, गाने चला लिए। तो हम ये प्रेजेंट करना चाहते थे कि अपने कल्चर को, अपने सभ्याचार को, और जो कि एक गांव में ही ये चीज़ें आज भी है, हम ये समाज को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को ना भूलें और अपनी संस्कृति के साथ, अपनी मिट्टी के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।